आज एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। कहानी एक गुरु और उनके कुछ छात्रों की जो एक कुटिया में रहते थे। और जैसा कि हर गुरु का होता है, हर व्यक्ति का होता है, कोई ना कोई पसंदीदा व्यक्ति, कोई ना कोई पसंदीदा छात्र, कोई फेवरेट स्टूडेंट। उस गुरु का भी था एक फेवरेट स्टूडेंट जो उसके सारे काम करता था, उसके आसपास रहता था, उसे सारी मदद करता था। एक अमावस्या की रात को गुरु को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपने फेवरेट छात्र को, जैसे वो अपने सारे काम करवाता था, उससे बोला कि जाओ जाके पानी लेके आ जाओ नदी से, प्यास बहुत तेज लग रही है। उस छात्र ने बोला, गुरुजी अमावस्या की रात है, बाहर बहुत अंधेरा है, नदी बहुत दूर है यहाँ से, जाते जाते पैरों में कांटे चुभेंगे, कंकड़ होंगे, तकलीफें होंगी, कीचड़ होगा, तो क्या पानी सुबह ला सकता हूँ? गुरु ने बोला, बेटा बहुत तेज प्यास लग रही, मैं सुबह तक कैसे रुकूंगा, और तुम्हारे पास लालटेन तो है? छात्र ने बोला, लालटेन बहुत कम रोशनी देता है गुरुजी, हाथ पैर नहीं दिखाई देते अमावस्या की रात में, मैं जमीन दूर का कैसे देखूंगा इस छोटी सी लालटेन के साथ, कुटिया में तो चलो थोड़ी सी रोशनी है, बाहर बहुत अंधेरा होगा। उस गुरु ने बहुत बोला, बहुत समझाया, पर उस छात्र टस से मस नहीं। तो गुरु ने दूसरे छात्रों से पूछा, क्या कोई जाएगा? एक छात्र तैयार हुआ तुरंत, गुरु जी मैं लेके आता हूं। वो गया और कुछ समय बाद पानी लेके आ गया। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सारी तकलीफें नहीं हुई? क्या अंधेरा नहीं था? क्या पत्थर नहीं थे, कंकड़ नहीं थे, पैरों में कुछ चुभा नहीं? तो गुरु जी से बोला, गुरु जी जब मैं कुटिया में था तो थोड़ी रोशनी थी, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मेरी लालटेन की थोड़ी सी भी रोशनी, उस अंधेरे में इतनी ज्यादा रोशनी थी कि मेरे लिए काफी थी, और मैं चल गया और मैं पानी लेके आ गया। और दूसरी बात, गुरु जी आपको प्यासा रखना भी तो सही नहीं होता। गुरु की आंखें खुली और अपना कोई पसंदीदा छात्र ना होके गुरु ने सोचा कि नहीं, सारे छात्र पसंदीदा हो सकते थे, और ये जो है ये बहुत काम का स्टूडेंट, ये बहुत काम का छात्र है, ये लाइफ में, ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ये कहानी जो एक साधारण सी कहानी दिखती है, ये कहानी हमारे आज के लिए, आज जैसा माहौल चल रहा है, आज जैसी बातें चल रही है, इसके लिए बहुत ज्यादा काम की। ये कहानी है अवसर की कहानी, ये कहानी है अपॉर्चुनिटी की कहानी, जो हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास दिन प्रतिदिन आता है, और अवसर ऐसे ही टाइम पे आता है, ऐसे ही समय पे आता है जब चीजें सबसे ज्यादा उल्टी हो रही होती है लाइफ, नेगेटिव होती है लाइफ, तभी अवसर आता है। जब कुछ अच्छा चलता, दिन का समय होता, उजाला होता, तो उस छात्र के पास कभी भी अवसर नहीं, वो अवसर आज भी हमारे पास। हम सब कोरोना काल एक अवसर की तलाश में, हम एक मिला हुआ अवसर भूल चुके हैं। हम सबको लग रहा है कि लॉकडाउन हट जाए, हमारे एग्जाम्स जल्दी हो जाए, कुछ भी हो के एग्जाम्स खत्म हो जाए, क्या चल रहा है, इन सब में हम एक अवसर को भूल चुके हैं। वो अवसर ये कि हम बचपन से आज तक, जब से हमने पढ़ाई के लिए होश संभाला है, और तुम्हारे सारे आगे जो सीनियर जा चुके हैं वो सब इस अवसर को हमेशा ढूंढते थे। वो अवसर था कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता सर, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, क्लैट का एग्जाम तुरंत हो जाता है सर, पढ़ नहीं पाते, ट्वेल्थ के साथ क्लैट को मैनेज कैसे करें सर, नॉवेल्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला सर, कभी करंट अफेयर्स को पूरा नहीं कर पाए सर, बुक शेल्फ नहीं जमा पाए हम लोग आज तक, कभी अपनी अलमीरा नहीं जमा पाए, कभी घर के काम में मदद नहीं कर पाए, कभी लाइफ में ओवरऑल डेवलपमेंट का सोचा भी नहीं कि क्या हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं बोलने की हैबिट इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता हूँ, क्या ये सब चीजें मेरे लिए पॉसिबल थी? तो हम इसी अवसर को हमेशा तलाशते थे, हम समय मांगते थे। ट्वेल्थ की पढ़ाई के साथ ये समय निकल नहीं पा रहा, स्कूल के होमवर्क, स्कूल के असाइनमेंट्स, टीचर्स के काम, एनुअल डे, फंक्शन, स्कूल आने जाने का टाइम, सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाने का टाइम, हमें घूमने का मौका नहीं मिलता था, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, और ये अवसर हमें मिल तो चुका है, हमने पूरा 1 साल इस अवसर को जाने दिया, और अगेन ये टाइम आया है हमारे पास कि अवसर हमारे सामने है। एग्जामिनेशन लेट है ना, तो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कर सकते हो, टाइम है तो कुछ अच्छी बुक्स तो पढ़ सकते हो। हम हर बार अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, हमें दिखता है बाहर बहुत अंधेरा है और एक छोटी सी लालटेन है, पर अगर थोड़ा सा निकल के देखोगे उस अंधेरे में,
छोटी सी लालटेन अंधेरे में ज्यादा काम करती है। हम अभी कंफर्ट जोन में हैं, उजाले में हैं, हमें लगता है लालटेन बहुत छोटी लालटेन है। अंधेरे में निकलो, जहां पे नेगेटिविटी है, ये छोटी सी लालटेन, ये छोटी सी उम्मीद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर देती है। और यही वो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे सामने दिन भर आती है, रात भर होती है, हमेशा होती है, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते। तो जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर तुम्हें मिला हुआ है, ये जो आसपास माहौल चल रहा है, ये नेगेटिव भरा माहौल, ठीक है, तकलीफ है, समस्या है, हमें अपना बचाव भी करना है, पर इस सब में हमें एक अवसर मिला, इस अवसर को छोड़ो मत। तो तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी गायब होगी और इस अवसर को तुम इतने अच्छे से उपयोग कर पाओगे, इस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे कि आने वाले कई सालों तक तुम्हें याद आएगा कि वो जो टाइम मैंने जाने नहीं दिया उसका मुझे आज भी फल मिल रहा है। तो दोस्तों, इस अवसर को यूटिलाइज कर लो, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो कि तुमने इस अवसर को यूज करा है लास्ट एक सालों में, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करा है और तुमने अपनी लाइफ में एक स्टेप कम से कम आगे बढ़ गए हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। बहुत से लोग जो पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें भी एग्जाम्पल जो सेट हुआ है, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू।